असलमकुम वरम वर्क अल्हदिल्ल रबालमीन वसल तो वसलम रसोल कर करीम अलैहिम फ़ाउदबाशनम बसमिल्लिम सवादर तुम अमल तुंदर हमला नजरन ग्रामी पिछली नशिस्त में हम और आप जिस मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे वो ये था कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे कैसे बुरे असरात उस पर मुरतब होते हैं जिसमें सबसे पहली बात हम और आपने ये देखी थी या समाज की थी कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो इंसान आमाल साल आमाल खैर से दूर हो जाता है या सुस्ती करने लग जाता है या इसी तरीके से अगर आमाल खैर में आमाल साल में कायम रहता है मगर उसके अंदर रगबत नहीं होती खुशु और ख़ुद नहीं होता मतलब क्या जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो अव्वल वो आमाल साल से दूर होता है और अगर आमाल साल करता भी है मसला नमाज का अहतमाम करता भी है तो नमाजों में जो खुशु होना चाहिए जो रगबत होनी चाहिए या जो इंसान को रब की बंदगी में लज्जत मिलती है वो लज्जत नहीं मिल पाती इंसान को पता ये चला कि इंसान का दिल जब सख्त होता है तो इंसान आमाल साह से दूर होता है और खुशी व खजू से भी महरूम हो जाता है नाजिर ने रामी मैं आपको बताऊँ कुरान मजीद में हर आप पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तला ने मिसाम से सवाल किया था वमा चिल कभी अमी निकया मूँ मुसा तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा ने जवाब दिया मेरे हाथ में लाठी है मैं इस पर टैग भी लगाता हूँ और इसके जरिए दरख्त के पत्ते भी झाड़ता हूँ जो मेरे बकरियों के काम आती है वलिया اخرى और इस लाठी से मैं बहुत सारे काम करता हूँ मुफसरीन तो यहां पर एक नुक्ता बयान करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का सवाल तो सिर्फ इतना था कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा सलाम अगर जवाब दे देते कि मेरे हाथ में लाठी है यहाँ जवाब मुकम्मल हो गया था फसरीन कहते हैं मूसा सलाम ने अपनी गुफ्तगू को लंबा इसलिए किया कि अल्लाह ताला से कलाम करते हुए अल्लाह ताला से बात करते हुए उन्हें एक तरह का सुकून मिल रहा था एक तरह की लज्जत मिल रही थी एक तरह की मिठास और चाशनी महसूस हो रही थी और वो नहीं चाहते थे, थे कि जिस रब से कलाम जारी है वो कलाम जल्द खत्म हो जाए मुन हो जाए वो ये इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे इसलिए अपने जवाब को लंबा कर रहे थे ताकि कलाम देर तक जारी रहे हम दुनिया में भी देखते हैं कि किसी अच्छी शख्सियत से किसी बड़े आदमी से किसी अजीम आदमी से वर्ल्ड के दुनिया के कोई मशहूर आदमी हो अगर उससे मुलाकात का मौका मिल जाए तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी देर और उनके साथ बैठने का मौका मिल जाए और देर बात करने का मौका मिल जाए तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की है सुबह तबारक तआला से कलाम करते हुए मूसा अलैहि सलाम को सुकून मिल रहा था इसलिए उन्होंने जवाब को लंबा किया नाजीन गिरामी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल्लाया Arabhuh, के नमाज पढ़ने वाला हालत नमाज में अपने रब से कलाम करता है अपने रब से सरगोशी करता है अपने रब से बात करता है यहाँ मूसा रब से कलाम कर रहे हैं तो लंबा कलाम जवाब को लंबा कर रहे हैं और यहाँ मुसल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से कलाम करता है तो जाहिर बात है अगर हमें अपनी इबादतों में आमाले में नमाजों में सुकून मिले लज्जत मिले तो हमारी नमाजों में भी खुशबू और खुशू आएगा हमारी नमाजें भी लंबी होंगी लेकिन अफसोस आज हम देखें हमारी इबादतों का हाल देखें हमारी नमाजें देखें कि हम नमाजें कैसे पढ़ते हैं अफसोस आज जरूरत इस बात की है कि आज हम और आप तलाश करें अपने अंदर हमारे क्याम में कूद में रुखू में सुजूद में दुआ मुनाजात में वो सुकून गया? वो गई? वो इसी तरीके से नमाजों से जब जुड़ता है तो खुशी और खुजू उसके पास नहीं रह जाता मैं आपको बताऊँ अल्लाह के नबी सल ने खुशू कैसे कायम होता है

जब पहले सजदे में जाओ तो यह रहना चाहिए कि शायद दूसरे का मौका ना मिल सके आखिरी नमाज एहसास के, साथ, इस के, साथ, जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो यकीन जरूर लाजिम है कि उसके अंदर खुशू आ जाए क्यों इसलिए वो महसूस कर रहा है कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हातिम असम राम से एक बहुत बड़े इबादत गुजार हमारे सलफ में गुजरे हैं अहले इल्म ने ने उनके बारे में लिखा बहुत कुछ लिखा है एक मरतबा उनके इबादत की वजह से किसी ने उनसे सवाल किया कई फतख शौफी सलातिक तुम अपनी नमाज में खुशु कैसा पैदा करते हो तुम्हारी नमाज में खुशु कैसे आता है तो खुशु नमाज में अल्लाह की बंदगी में कैसे हासिल होता है हातिम असम अलैह से पूछा गया उनका जवाब सुनिए हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ नमाज पढ़ने का इरादा करता हूँ नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ तो कहते हैं कहा जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो तस करता हूँ सोचता हूँ महसूस करता हूँ कि मेरे दाएं तरफ जन्नत है मेरे बाएं जानिब जहन्नम है मेरी पीठ के पीछे मौत का फरिश्ता रूह को कब्ज करने के लिए खड़ा हुआ है और मेरे पैर के नीचे पुल है मेरे सामने काबा है इस एहसास के साथ मैं रब की बंदगी करता हूँ तब कहीं जा कर के नमाजों में इबादतों में खुशु हासिल होता है सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है गौर करें कि नमाज पढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं तो तस्वूर रहना चाहिए कि दाएं तरफ जन्नत बाएं तरफ जहन्नम, पीछे मौत का फरिश्ता पैर के नीचे पुल सरात, सामने काबा है इस एहसास के साथ जब इंसान बंदगी करेगा तो जाहिर बात है जब उसके जहनों दिमाग में हमेशा जन्नत होगी जहन्नम होगी पुल सरात होगा मौत का फरिश्ता सामने होगा तो यकीनन लाजिम है कि उसकी बंदगी में खुशू आ जाए खशियत आ जाए रगबत आ जाए अब आगे सुनिए उसके बाद क्या कहते हैं हातिम असम रहमत तुम अबाद इतने सारे अहसास के साथ मैं बंदगी करता हूँ फिर उसके बाद ला अदरी अमरुद्दत आलिया उसके बाद भी मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी ये नमाज मेरी ये बंदगी कबूल कर ली गई है या रद्द कर दी गई अल्लाह अकबर नाजरी ने सोचें कि किस एहसास के साथ रब की बंदगी की जाती किस के साथ रब के सामने खड़ा हुआ तौरा फईन हो तुम अल्लाह की बंदगी अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया के तुम रब को देख रहे हो अगर ये एहसास ये शूर तुम्हारे अंदर नहीं आ सका तो कम अज कम इतना जरूर ख्याल रहना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है ये एहसान और अल्लाह की कसम ये ख्याल जब इंसान के अंदर पैदा हो जाएगा तो जरूर नमाजों में रगबत आएगी खुशी आएगा खुदू आएगा अफसोस इसी बात का है कि आज हम अव्वल तो अल्लाह की इबादत से नमाजों से दूर हैं गफलत करते हैं सुस्ती करते हैं और दूसरे अगर हमें मौका मिल भी जाता है हम इबादत करने भी लग जाते हैं नमाज का अहतमाम भी करते हैं तो पता नहीं वो खुशू वो खजू कहाँ चला जाता है आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब के सब अपनी नमाजों में खुशु तलाश करें वो खजू तलाश करें नादरी ने गिरामी, ऐसी कई मिसालें हैं हमारे सलफ़ के अंदर जो नमाज़ों को इस तरह पढ़ते थे सुबह अल्लाह आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके अंदर जो खुशु था या रगबत थी ख्वाहिश थी इबादत की देखें आप सईद उलमसैब रहमत लाबाई कबीर कहते हैं उनके बारे में ये बात नकल की गई कहते हैं कि मा मुद्दिन सनतन व फिर रिवायतिन अरबीन सनतन व फिर रिवायतिन सितिन सनतन अनाफिल मस्जिद के तबाई कबीर सैदुलमसैब रहमत इनके बारे में अकवाल नकल किए गए एक रिवायत में आया साठ साल एक रिवायत में चालीस साल और एक रिवायत में बीस साल कि ये अजान से पहले मस्जिद में हाजिर हो जाया करते थे क्या खशियत रही होगी क्या रगबत रही होगी सुहान अल्लाह अल्लाह की बंदगी में कितना सुकून मिलता होगा कितनी लज्जत मिलती होगी कि अजान से पहले मस्जिद में हाजिर होना कितनी बड़ी शादत की बात है और वो भी साठ साल चालीस साल बीस साल हम साठ साल की बात नहीं करते चालीस साल की बात भी नहीं करते हम बीस साल की बात भी नहीं करते हम चलो बीस महीने की भी बात नहीं करते हैं बीस हफ्तों की बात भी नहीं करते हैं बीस दिन की बात भी नहीं करते हैं अगर बीस नमाजों में भी हम वक्त से पहले मस्जिद में आने की कोशिश करें अजान से पहले आने की कोशिश करें तो शायद कुछ और ही माहौल होगा हमारे माशरे का बीस वक्त की नमाज अगर मुसलसल नमाज का जब वक्त हो जाए उससे पहले अजान से पहले अगर हम मस्जिद में हाजिर होने की कोशिश करें तो मामला ही कुछ और होगा मुआरे का रंग ही कुछ और होगा अगर अफसोस कि आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए इतने सख्त हो गए हैं कि हम इबादतों से गाफिल हैं सुस्ती है कोताही है गफलत है और अगर हम कभी कभी नमाज पढ़ भी लेते हैं हमें तोफ़ीक मिल भी जाती है तो अफसोस वो खुशबू बाकी नहीं रहता वो खुदू नहीं आ पाता वो रगबत वो कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती मैं आपको मिसाल दूँ कि हमारे सलफ़ और सलफ़ में सबसे पहले हमारे सहाबा सहाबा की इबादत कैसी होती थी कैसा उनको सुकून मिलता था बात बड़ी अजीब है हैरत अंगेज़ है लेकिन समझने की क्या है कि एक गजवा है गजवा ज़ुरक़ा ज़ुर नामी एक गजवा हुआ इमाम बुखार रहमतल ने भी इस वाक़े को नकल किया है और सीरत की जो मशहूर माया नाज़ अवल इनाम याफ़्ता किताब अर्रहीकुलमखतूम उसमें भी ये वाक़ नक़ल किया गया कि ज़ात रमी गजवे के मौके पर एक वाक़ ये पेश आया था कि रात का वक्त हो चुका था सारे सहाबा कर अपने मकाम पर पड़ाव डाल चुके थे और दुश्मन भी ताक में लगा हुआ था दुश्मन भी था सामने जिनसे जंग जारी थी रात का वक्त हो चुका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सारे सहाबा कर राम को सोने का हुक्म दे दिया था लेकिन अगर सारे सहाबा सो जाते तो मुमकिन था अगर सारे सहाबा सो जाए तो दुश्मन जो मौके की ताक में है हमला कर देगा इसलिए जरूरी था कि मुसलमानों से कोई रात जाग करके पहरेदारी करे निगरानी करे दुश्मन की तरफ से अगर हलचल होती है तो सबको बेदार कर दे हुआ ये कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह तन और अम्मा रजियन ये दोनों सहाबा को तय किया तय किया कि आप दोनों रात जाग कर गुजारना और जरा सा भी महसूस हो तो साहबा को जगा देना हम सबको बेदार कर देना अब यहाँ उसके बाद देखिए क्या होता है सारे साहबा सो गए सारे साहबा इक्राम सो गए अल्लाह के नबीम भी सो गए अब सिर्फ दो लोग जाग रहे हैं वहां पर एक अब्बा रजी अल्लाह चला है दूसरे अम्मार री अल्लाह तन थोड़ी देर गुजरी थोड़ा वक्त गुजरा दोनों ने आपस में मशवरा किया ये तय किया कि हम दोनों ही क्यों जागें बहरहाल पहरेदारी करनी है निगरानी करनी है हम लोग ऐसा करते हैं बारी मुकर कर लेते हैं हम में से एक आदमी अभी सो जाए वो बाद में जागे और अभी जो जागेगा वो बाद में सो जाएगा ये तय हुआ ये मशवरा हुआ उनका मशवरे में ये तय हुआ कि अम्मार अभी सो जाएंगे अब्बाद जागेंगे फिर बाद में अब्बाद रजी अल्लाह सोएंगे और अम्बार जागेंगे अम्मा रजी अल्लाह तु भी सो गए अब तनह मुसलमानों के इलाके में सिर्फ और सिर्फ अब्बास रजी अल्लाह तु जाग रहे हैं और दुश्मन भी मौके की ताक में लगा हुआ है कि सब सो जाए तो हमला कर दे अब्बास रजी अल्लाह तु जाग रहे हैं अकेले थोड़ी देर के बाद उनको यह ख्याल आया उन्होंने सोचा कि यूं ही बेकार क्यों जागू क्यों ना रब की बंदगी करते हुए जागू अल्लाह की इबादत करते हुए जागू सोचो नाजरीन सोचो गौर करो वो कैसे मुसलमान थे और आज हम कैसे मुसलमान वक्त गुजारने के लिए उनको क्या समझ में आया रब की बंदगी की जाए आज हमारे पास वक्त गुजारने के लिए क्या है दुनिया की सारी वाहियत लाहौल बेकार की बात है गली के नुक्कड़ों पर खड़े हो जाना होटलों पे गब्बाजी करना यहाँ वहां जाकर और आज मोबाइल में बिना वजह वक्त को जय करना आज फैशन बन चुका है हमारे पास औकात की कोई कदर कीमत नहीं ये अब्बाद रजी अल्लाह अन कहते हैं कि मैं जाग रहा हूँ लाओ अल्लाह की इबादत कर लूँ नमाज वगैरह कुछ पढ़ लूँ और ये सोच करके उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी नमाज पढ़नी शुरू कर दी नमाज जारी हो गई दुश्मन ताक में था वो मौका ढूंढ रहा था मौका तलाश कर रहा था कि सारे मुसलमान हो जाए तो हमला कर दें उन्होंने देखा कि सारे मुसलमान साहब हुए हैं सिर्फ एक शख्स जाग रहा है और वो भी हालत नमाज में उन्होंने मौका देखा अब्बाद अब्बादी पर अपने मकाम से तीर चला दिया तीर चलाया वो तीर सीधा अब्बाद रदी अल्लाह तला के जिसम में आकर पैवस्त हो गया जिसम में दाखिल हो गया अब्बाद रजी अल्लाह तआला खा लेते नमाज में है आपने क्या किया वो तीर निकाला जमीन पर रखा और नमाज पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के बाद दुश्मन ने दूसरा तीर भी चला दिया दूसरा तीर भी आया सीधा अब्बाद रजी अल्लाह तआला तु के जिस्म में दाखिल हो गया घुस गया अब्बाद नमाज पढ़ रहे हैं उन्होंने वो तीर भी निकाला जमीन पर रख दिया अभी भी नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह हु अकबर हम सब के लिए सोचने की बात गौर करने की बात दुश्मन ने देखा अभी कोई हरकत नहीं हो रही है तीसरा तीर भी चला दिया एक, एक नहीं तीन तीन तीर से जख्मी हुए नमाज को फौरन हल्की की तीर भी निकाला रखा नमाज हल्की की सलाम फेरा फौरन पहले अपने भाई अम्मार को बेदार किया खड़े हो गए अम्मार को बेदार किया अम्मा रजी अल्लाह तुमने देखा कि अब्बास नहीं तीन तीन तीर से जख्मी अब मार ने पूछा मेरे भाई अब्बाद जब तुम्हें पहला तीर लगा था तो उसी वक्त क्यों नहीं बेदार कर दिया अगर पहले तीर में बेदार कर देते तो दो तीर और ना आते अब्बाद रजी अल्लाह तआला का जवाब सुनिए आज हमारे पास ऐसी सोच नहीं है ऐसी फिक्र नहीं मेरे भाई अम्मार जब मुझे पहला तीर लगा था तो उस वक्त मैं हालते नमाज में था और मैं कुरान की एक सूर्य की तिलावत कर रहा था उस तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था इतना और मिल रहा था, था कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जब तक वो सूरे सूरे कहफ खत्म ना कर लू मैं रुकू करूं मैं रुकू करना नहीं चाह रहा था जब तक सूरे कहफ तो मैं तिलावत कर रहा था मुकम्मल कर लेता क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा था लेकिन मैंने जब देखा कि दुश्मन की तरफ से एक नहीं तीन तीन तीर आ गए तो मुझे डर हुआ कहीं खतरा सामने ना आ जाए इसलिए मैंने अपनी नमाज को हल्की कर ली नाजरिन ग्रामी करें सोचें सबक हासिल करें आज हमारी नमाजों का क्या हाल आज हमारी इबादतों का क्या हाल उसके बाद क्या कहते हैं अब्बाद रजी अल्लाह तु कहते हैं कि मेरे भाई अम्मार एक बात ये भी सुन लो कि अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि अल्लाह के, के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सहाबा का पहरेदार बनाया है तो दुश्मन के तीर आते रहते आते रहते एक के बाद दिगरे में जख्मी होता रहता लेकिन जब तक सूरह केहफ मुकम्मल ना पढ़ लेता मैं रुकूं ना करता करछ मेरी जान क्यों ना चली जाती आए हाय क्या बात ऐसे लोग थे ये लोग सुभान अल्लाह कि रब की बंदगी में इतना सुकून इतनी लज्जत कि जान चली जाए उसकी परवाह नहीं लेकिन आज हम अव्वल तो नमाजों से दूर सुस्ती गफलत। दूसरे अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो वो खुशू नहीं वो सुकून नहीं वो इत्मीनान नहीं सारी ये सारी चीजें क्यों होती हैं ये इसलिए होती हैं कि इंसान का अपना दिल सख्त हो जाता है जब इंसान का दिल सख्त होता है तो उसके जो नुकसान होते हैं बुरे जो सामने आते हैं उसमें एक नुकसान ये होता है कि इंसान रब की बंदगी में सुस्ती करने लगता है और नमाजों में इबादतों में खुशी और खुजू से भी महरूम हो जाता है आप गौर करें कितना बड़ा अलमिया है ये सारे मुस्लिम माशरे का जायजा ले लीजिए आप हर जगह आपको मस्जिदें नजर आएंगी हर मस्जिद जुम्मे के दिन फुल नजर आएगी लेकिन पंच वक्ता नमाजों में सारी मस्जिदें खाली नजर आती हैं नाजरीन ने ग्रामी हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है और हम अपनी गुफ्तगु को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं बातें इन जारी रहेंगी अगली नशत में इनशल इसके और दूसरे नुकसान क्या हो सकते हैं मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा अल्लाह ताली हम सबको सही समझ अता फ़रमाए आमीन व आखरदाना अनिलहमदिल्ला रबी आलमिन असलम आलैक्म वरहल वरक